नमस्कार दोस्तों, और बताओ कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोस्त जिनका सिलेक्शन आज हो गया है आईबीपीएस में, क्लर्क में हो चाहे पीओ में, सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। और फाइनली हार्ड वर्क पेड ऑफ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से प्रिपरेशन करने के बाद ये खुशी वाला मौका आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। और कैसा फील हो रहा है ये बताओ। मुझे याद है जब पिछले साल मैंने भी एग्जाम क्लियर किया था, सबसे पहले 1 जनवरी को मेरा आरआरबी क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल को इंडियन बैंक मिला था मुझे, तो मैं भी काफ़ी खुश था। आँख में खुशी के आंसू भी थे, जो कि आपके साथ भी होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, खूब सारा मिठाई बांटिए, खूब इंजॉय कीजिए, आज का दिन आपका है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा आपको, फ्रेंड्स ने, आसपास के लोगों ने, जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, और आज आपने सबका मुंह बंद कर दिया है सिलेक्शन लेके। सो यू आर द चैंपियन टूडे, तो इसीलिए चैंपियन जैसा इंजॉय करो। ये नहीं सोचना है कि मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिल गया, पंजाब नेशनल बैंक क्यों नहीं मिला, मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक क्यों मिल गया, बैंक ऑफ इंडिया क्यों मिला, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये सब कुछ मत सोचो, ठीक है। जो भी बैंक मिले हैं आपको, आईबीपीएस ने जो भी बैंक दिया है, सारे बैंक अच्छे हैं, और किसी का प्राइवेटाइजेशन अभी होना नहीं है, ठीक है। वो प्राइवेटाइजेशन वाली न्यूज़ जो है अब खत्म हो गई है, अब फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के प्रेजेंट को बर्बाद मत करो और खूब इंजॉय करो। मेरे टेलीग्राम चैनल से भी काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, पीओ में हुआ है कुछ लोगों का, और बहुत सारे लोगों का क्लर्क में हुआ है, जिसका रिजल्ट मैं आपको आगे शो करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है सिलेक्शन पाके, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जुड़ सकते हो वहाँ से, और आगे का प्रोसेस क्या होगा ये आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगा कि आज का दिन आपका है, टुडे इज योर डे, और खूब इंजॉय करो, पार्टी करो, घर वालों को मिठाई खिलाओ, और पोस्ट करो अपने अपना जो सेलेक्शन है, अपना जो खुशियां है वो पोस्ट करो सोशल मीडिया में, लोगों को बताओ कि सिलेक्शन लेने के बाद कैसी फीलिंग आती है, उसकी फीलिंग वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन आवर वर्ड्स। तो चलो चलते हैं रिजल्ट की तरफ। कुछ लोगों का सिलेक्शन मेरे ग्रुप से हुआ है, कुछ लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों का हुआ है, जिनमें से 2-3 का पीओ में हुआ है, और क्लर्क में भी काफ़ी सारे लोगों का हुआ है। ये है वर्षा कुमारी, इनका आईबीपीएस पीओ में हुआ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है इनका, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इनको। यह है अभिषेक आनंद, इनका भी सिलेक्शन हुआ है पीओ में, और इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है, तो इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये है अभिनव आनंद, और इनको मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनका क्लर्क में हुआ है, तो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये है ऋषभ रंजन, इनका भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट थे जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से हुआ है, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन सब तो बता नहीं सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप मुझे बताना कि आपका सिलेक्शन किस बैंक में हुआ है, कमेंट सेक्शन बताना कि कौन सा बैंक आपको मिला है और कौन से स्टेट से हुआ है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।